Assalamu alaikum dear students, welcome back to civil engineering zone youtube channel. Dear students, aaj ka jo hamara topic hai isme hum discuss karenge that how to calculate water quantity for the concrete mix M15. Dear students, start karne se pehle kuch basic information hai jisko samajhna hamare liye intihai zaruri hai. Dear students, aap apne saath ye note kare agar concrete mein hum water ki quantity ko zyada use kare तो इससे हमारे पास कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी, ठीक है. और अगर हम वाटर की क्वांटिटी को कम इस्तेमाल करें तो इससे हमारे पास जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी है वो इफ़ेक्ट होगी, ठीक है. तो कभी कभार हम इस तरह करते हैं कि हाई स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए कंक्रीट में ऐसे प्लास्टर साजर को यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी है वो इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है. डी स्टूडेंट्स, आप अपने साथ ये भी नोट करें कि हमारे पास जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो डिपेंड कर रही होती है कंक्रीट की मटेरियल पर. लाइक आपके पास सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया. ये स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर आपके पास ये जो सैंड है और एग्रीगेट है वो वेट कंडीशन में होगी तो आपको जो है ज़्यादा वाटर नहीं रिक्वायर्ड होगा, बल्कि आपको सिर्फ थोड़ा सा वाटर रिक्वायर्ड होगा फॉर द कंक्रीट. सेम इसी तरह अगर आपका जो मटेरियल है सैंड है और एग्रीगेट है वो आपके पास ड्राई कंडीशन में है तो फिर जो है आपको ज़्यादा पानी जो है वो रिक्वायर्ड होगा फॉर दोस कंक्रीट, ओके. एंड स्टूडेंट्स, आप अपने साथ ये भी नोट करें कि आज जब हम ये मेथड करेंगे और इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, ये फिक्स वैल्यू आपके पास नहीं हो सकती, ठीक है. ये कभी कभार आपके पास ज़्यादा भी हो सकती है और आपके पास कम भी हो सकती है. ये आपके पास डिपेंड कर रहा होता है कंक्रीट की मटेरियल पर, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ कि हम किस तरह M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर को निकालते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो हमारे पास 1:2:4 की है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके पास सीमेंट को और यहाँ पर 2 रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके पास टोटल क्वांटिटी या टोटल अमाउंट ऑफ सैंड को, और इसी तरह 4 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट को. डियर स्टूडेंट्स, आप अपने साथ ये भी नोट करें, अगर आपने किसी भी कंक्रीट में वाटर की क्वांटिटी को निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने सीमेंट की टोटल वॉल्यूम को फाइंड करना है और इसी तरह सैंड और एग्रीगेट का जो टोटल वॉल्यूम है उसको फाइंड करना है. डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो सीमेंट का जितना वॉल्यूम होगा किसी भी कंक्रीट में उसी वॉल्यूम का आपने 33% लेना है और इतना ही वाटर आप लेंगे सीमेंट के लिए. सेम इसी तरह आपने सैंड और एग्रीगेट का जो है वो आपने 5% वॉल्यूम लेना है और इतना ही वाटर आपने ऐड करना है फॉर द सैंड इन एग्रीगेट, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट सपोज हम इसी रेशो को कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो M15 ग्रेड कंक्रीट है 1:2:4 का और इसमें हम 1 सीमेंट बैग के लिए ये कैलकुलेशन करते हैं. तो यहाँ पर अगर हम सीमेंट जो है वो 1 बैग ले लें तो हमें ये पता है कि सीमेंट की 1 बैग की जो वेट है वो हमारे पास 50 kg है और अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 1.25 क्यूबिक फीट है और इन टर्म ऑफ क्यूबिक मीटर ये हमारे पास 0.035 क्यूबिक मीटर है, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सीमेंट जो है वो 1.25 क्यूबिक फीट ले लें, ठीक है, तो सैंड हमारे पास इसका जो है डबल होगा, ठीक है. तो अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2.5 क्यूबिक फीट. सेम इसी तरह एग्रीगेट जो है हमारे पास 4 टाइम ऑफ द सीमेंट होगा, ठीक है. तो अगर हम इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास 5 क्यूबिक फीट आ जाएगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सीमेंट की वॉल्यूम है वो हमारे पास 1.25 क्यूबिक फीट है. अब हमने क्या करना है, सैंड और एग्रीगेट की वॉल्यूम को ऐड करना है. तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 7.5 क्यूबिक फीट, ओके. एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने वाटर लेना है फॉर द सीमेंट, तो सीमेंट का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 1.25 क्यूबिक फीट है. तो अगर हम इसका 33% लेंगे तो इतना ही वाटर हमें चाहिए होगा फॉर द सीमेंट. और सेम इसी तरह अगर हमने फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट के लिए वाटर लेना है तो यहाँ पर जो फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम है वो हमारे पास 7.5 क्यूबिक फीट है. तो अगर हम इसी वॉल्यूम का 5% ले लें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.375 क्यूबिक फीट. ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वाटर फॉर द सीमेंट आ गया और ये हमारे पास वाटर फॉर द फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट आ गया. तो हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर होगी वो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.787 क्यूबिक फीट. नाउ डी स्टूडेंट्स, याद रखिए कि वाटर की क्वांटिटी को हमने फाइंड करना है इन टर्म ऑफ लीटर्स और इन टर्म ऑफ गैलन्स. डी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो यूनिट है वो इन टर्म ऑफ क्यूबिक फीट में है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 क्यूबिक फीट का जो वॉल्यूम होगा
उसमें हमारे पास 28.31 लीटर्स आ सकते हैं। तो अगर इसी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 28.31 लीटर्स के साथ तो इससे हमारे पास आ जाएगा 22.28 लीटर्स। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।